मैं उठा हूँ और ये सामने खिड़की है, खिड़की से व्यू देखे मेरे डायरेक्ट, ये देखें आप नंगा पर्वत, बिल्कुल नंगा खड़ा हुआ है। सो दिस इज द कॉटेज वी स्टेइंग इन, बिल्कुल सामने खिड़की खोलो तो व्यू आता है इस तरफ नंगा पर्वत का। ये जो व्यू आपको नजर आ रहा है इट्स राइट आउटसाइड आवर कॉटेज रूम। मुझे समझ नहीं आता मैंने ज़िंदगी में ऐसा अच्छा क्या अच्छा काम किया था, ये इतना खूबसूरत व्यू मैं डिज़र्व कर रहा हूँ। सामने बस नंगा पर्वत देखें, बस और कुछ अल्फाज मेरे मुंह से नहीं निकल रहे, बस मैं क्या बताऊँ आपको। हाय, तो अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, अपना कैमरा छोड़ के आया था मैं टाइम लैप्स पे, बट वॉट अ ब्यूटिफुल प्लेस सारी मेडोज, चेक दिस आउट। तो सीन अभी यही है कि तस्वीरें लेते रहेंगे, टाइम लैप्स बना रहा हूँ और फिर जो है चाय और नाश्ता करके फैज़ और मैं जाएंगे बयाल कैंप की तरफ ट्रैक करके, वहाँ थोड़ा टाइम गुजारेंगे, पिक्चर्स लेंगे, टाइम लैप्सेस बनाएंगे, वीडियो शूट करेंगे। बिलाल यहीं होगा क्योंकि बिलाल कैन नॉट वॉक दैट मच, तो बिलाल इज़ गोना स्टे हियर एट फेरी मेडोज़ एंड वी गोना गो टू बयाल कैंप। सो हियर आई एम टू माई कैमरा एंड हियर इज़ माई कैमरा एंड दिस होल थिंग, दिस ग्रे थिंग इज द रायकोट ग्लेशियर, वेरी कूल। प्लीज नंगा पर्वत समिट, प्लीज लेट मी सी यू प्लीज। बादल जा ही नहीं रहे यार, सैड हो रहा हूँ मैं, मुझे समिट देखनी है। दिस इज द नंगा पर्वत माउंटेन, द ट्विन पीक्स, देयर हिडन राइट नाउ बिकॉज ऑफ मिस्ट, but hopefully they're going to reveal themselves very soon when it's a little later in the day. Mr. Bilal is feeling very cold and so is Mr. Piru. Mr. Piru, how are you feeling about the mountains? I'm speechless. I am in love. Boys, are you excited for the trek? Oh yes, not particularly, sir. Well, yes, sir. तो वही सीन ये है, बस बॉयज तैयार हैं, नाश्ता फोड़ के जो है ना हम ट्रैक को तोड़ देंगे। सीन ये बस यार सीन ये, सन ब्लॉक वगैरह लग चुके हैं, बॉयज सारे बस तैयारी पकड़ लिए, पीछे इनायतुल्ला भाई खड़े जिनके साथ हम जाएंगे बेस कैंप। बड़े ही बहुत अच्छे शख्स हमारे साथ बैठे हैं, नाश्ता किया नहीं उन्होंने, बड़े अजीब बंदे, 5 मिनट पहले अच्छे शख्स थे उनका नाश्ता नहीं किया तो अजीब बंदे। अभी हम ये लेके जाएंगे बेस कैंप, देखते हैं कैसा सफ़र गुजरता है। The excitement before heading towards the base camp. Oh yeah! और हम चल पड़े हैं कॉटेजेस के बीच में से, जंगल के बीच में से, इनायतुल्ला भाई की रहनुमाई में। अभी हम चलते जा रहे हैं, कुछ देर में बयाल कैंप पहुंच जाएंगे, इनायतुल्ला भाई और मैं साथ साथ हैं, फैज़ और बिलाल बहुत पीछे रह गए, आई डोंट नो क्या हुआ उनको, बट आई होप देयर सेफ। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, लंबे लंबे अल्पाइन ट्रीज,
ज़मीन पे पड़े पाइन्स, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक है। अगर आप फेरी मेट हो जाएँ तो ये ज़रूरी है। छोटी सी बैठने की ब्रेक ली है और इनायतुल्ला भाई ने पिछली ब्रेक लिया है तो बैठे हुए हैं। ये पीछे वाला व्यू हम जिस तरफ से आए वो है और टू द बैक, अभी जो पीछे व्यू आ रहा है इस तरफ हमें जाना है और जो पीछे ब्लोन आउट आ रहा है वो नांगा पर्वत है। फैज़ और बिलाल का अभी तक तो कुछ अता पता नहीं है, आ जाएगा इंशाल्लाह। हम उनका ब्याल कैंप पर वेट करेंगे, बस हम ब्याल कैंप पहुँचने वाले हैं। और ये तो देखें भाई, सन ब्लॉग, ज़िंदगी में इतना गोरा नहीं दिखा मैं। ये है जी ब्याल कैंप, हम पहुंच गए हैं मगर हमने थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया है, 1 घंटा 15 मिनट लगा हमें। अभी हम ब्याल कैंप पे बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, थोड़ा हमने खुद का ब्रेक लिया है और वेट कर रहे हैं कि अगर फैज़ या बिलाल दिख जाए, क्योंकि उनको काफ़ी टाइम हो गया और मैं दिखे नहीं अभी तक। तो वी गोना वेट फॉर 10 मिनट्स, लेट्स सी इफ वी सी देम, अदरवाइज वी गोना कंटिन्यू टुवर्ड्स द बेस कैंप। 11:05 हो रहे हैं और हम चल पड़े हैं ब्याल कैंप से व्यू पॉइंट की जानिब। प्रॉबली इंशाल्लाह आधा घंटा या 40 मिनट्स लगने चाहिए और आपके लिए सरप्राइज है, फैज भाई भी पहुंच गए। आई थिंक वी हैव रीच्ड द नांगा पर्वत व्यू पॉइंट, ऑलमोस्ट देयर। ओह माय गॉड, लुक एट द व्यू, रायकोट ग्लेशियर एंड नांगा पर्वत, मजेस्टिक। ओह मैन, दिस ट्रैक इज सो टफ, टांगों में दर्द नहीं हो रहा मुझे बट सांस में प्रॉब्लम हो रही है एज यू हैंग गेनिंग हाइट। और हम कराची से आए बिल्कुल सी लेवल से, सो वी स्ट्रगलिंग मोर, बट यू ऑलमोस्ट देयर, जस्ट एन आवर अवे फ्रॉम द बेस कैंप। हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा। 12:20 एंड नाउ वी गोना लीव द व्यू पॉइंट एंड हेड टुवर्ड्स द बेस कैंप। बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्रैक है बेस कैंप की जानिब, साथ साथ रायकोट ग्लेशियर भी है और ऊपर की तरफ नांगा पर्वत है। थोड़ा स्लिपरी भी है, डेंजरस भी है, बट एडवेंचर तो यही है भाई। पहुंच गए, कमर में शदीद दर्द है, शोल्डर में शदीद दर्द है क्योंकि ट्राइपॉड अगर उठाया था तो भी बस लेट गया नीचे और सामने कैमरा टाइम लैप्स भी लगा दिया फैज़ उन्होंने और इनायत भाई और फैज़ जो है आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। मेन बेस कैंप है बस थोड़ा ही दूर है, ऊपर बस चढ़ना है, बस हम 10 मिनट में निकलेंगे यहाँ से। सीन ये है कि ऊपर बहुत बादल हैं, देख सकते हैं आप, तो हमने डिसाइड किया क्योंकि फ़ायदा नहीं है अगर ऊपर हम जाएंगे जो एक्चुअल बेस कैंप है सिर्फ 30 मिनट अवे, सामने वी कैन सी इट, मगर कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि नांगा पर्वत बिल्कुल छुप चुका है बादलों के अंदर और
बादलों का साफ होने का कोई सीन नहीं लग रहा, तो हम यहाँ जो नीचे वाला बेस कैंप है, छोटी जगह जो है, वहाँ हम लोग आग जला के बैठे हैं, चिल कर रहे हैं अभी। देखते हैं 10-15 मिनट इंतज़ार करते हैं, अगर क्लाउड्स क्लियर होते हैं, वरना तो वापस जाएंगे। हल्की हल्की बर्फबारी स्टार्ट हो गई है इस तरफ है, ये जो है ये बेस कैंप है एक्चुअल, और हम नीचे भी बस यहाँ पर हैं, मगर क्लाउड्स इतने हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा, नंगा पापा नज़र नहीं आ रहा। दो बार एवलांचेस की आवाज़ सुनी हमने, मौसम बड़ा ख़राब है। पीछे बस यही एक रायकोट ग्लेशियर, बहुत सर्दी है भाई, बहुत सर्दी है। Snowing like crazy. मौसम ख़राब होता रहा है, अच्छा टाइम पे वापसी लौट रहे हैं हम। So much snow. मज़ा आ रहा है, सही मज़ा आ रहा है, बर्फ़ ने फुल ज़ोर पकड़ लिया है भाई, सही मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स का सेट लग रहा है यहाँ पे। और अंधेरा से पहले पहुँचना है हमें, मगर बर्फ़ भी इंजॉय कर रहे हैं हम, समझ नहीं आ रहा क्या करें, बर्फ़ तो टाइट है यार, देखें आप, सिर्फ देखें। भाई ये वही व्यू पॉइंट वाला रास्ता है, जब हम आ रहे थे तब देखें और वापसी में देखें, इन अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स। मैंने आपको यहाँ से क्लियर ग्लेशियर दिखाया था मेरे पीछे चंद घंटे पहले, और अब देखें व्यू पॉइंट का हाल और मेरा हाल। ओह बहुत बर्फ़बारी हो रही है, एंड वी आर बैक टू ब्याल। ब्याल आई शोड यू अर्लियर वॉजंट लाइक दिस एट ऑल, लुक एट इट नाउ एंड लुक एट अस नाउ। खूबसूरत पे खूबसूरत पे खूबसूरत की इंतहा। अभी हम यहाँ कोशिश करेंगे कि चाय मिल जाए, क्योंकि हमने खाना नहीं खाया, पेट में चूहे दौड़ रहे भाई। उफ बस आप देखें पीछे, क्या बताऊँ मैं आपको, ब्याल कैंप पहुंच चुके हैं वापस। इनायत भाई गए हैं किसी को ढूंढने के, मैं चाय शाय बना के दें या किसी होटल वाले को ढूंढने गए, तब तक हम यहाँ रेस्ट कर रहे हैं। ये वही पॉइंट है जहाँ इनायत भाई और मैं वेट कर रहे थे फैज़ का, और अब देखें इस पॉइंट को। बर्फ़बारी हमने सर्वाइव कर ली, 5:20 पर हम फाइनली जो है फेरी मेडोज पहुँच गए थे, थक चूर के बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए, हमारी जैकेट वगैरह सब गीली हो गई थी, और बड़ी मुश्किल से जो है सर्वाइव करके हमने यहाँ तक पहुँचने में जो है कामयाबी हासिल की। अभी दिमाग काम नहीं कर रहा बिल्कुल, बस ख़त्म हो चुका है, बहुत लेट में ये अपडेट दे रहा हूँ मैं। 5:20 में हम पहुँचे, हमने बस अपने सामान वामान छोड़े, चाय पी हमने, फिर खाना वाना खाया, फिर कुछ जापनीज टकरा के 11 लोग उनकी बकवास सुनी, फिर नीचे कॉमन रूम बनाया जहाँ हीटर है, वहाँ थोड़ा गर्म गर्म हुए हम, बस 2-3 घंटे गुजारे सुकून के, ब्रूफेन टाप लिए, अब टाइम है सोने का, बाय।